फ्रेंड्स, वेलकम टू बंद क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नेपियर्स एनालॉजी फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीन टाइप के फॉर्मूले आपके कि टेन ए माइनस बी अपॉन में टू इक्वल टू स्मॉल ए माइनस बी अपॉन स्मॉल ए प्लस बी इंटू कोट सी अपॉन टू। ये जो सी है वो कैपिटल है, ध्यान रखना। देखो सी ए बी, ठीक है ना। अब इसको याद किसे करेंगे, वो है टेन ए माइनस बी अपॉन टू। अब देखो इस एंगल के सामने साइड आपकी स्मॉल ए है, एंगल बी के सामने स्मॉल बी है, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस कर दो तो यहाँ पे प्लस कर दो, फिर इनके एंगल ए और एंगल बी के अलावा कौन सा एंगल बच गया, सी वाला, तो कोट सी बाई टू यहाँ पे कर दो। देखो सेम ये बी माइनस सी, तो स्मॉल बी माइनस सी प्लस बी माइनस। अब इसके अलावा जो एंगल बचा वो कौन सा है, एंगल ए है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो सी माइनस है तो स्मॉल सी माइनस है अपॉन में सी प्लस है इंटू कोट, इन दोनों एंगल के अलावा कौन सा एंगल है, कैपिटल बी अपॉन में टू। ऐसे आपको लिखना है। तो फर्स्ट को प्रूव करते हैं। सबसे पहले देखो, फर्स्ट को प्रूव करने के लिए अपन साइन फॉर्मूला जानते हैं। कौन सा साइन, जो रूल आपका वो जानते हैं। क्या रूल है, ए अपॉन में साइन ए इक्वल टू बी अपॉन में साइन बी इक्वल टू सी अपॉन में साइन सी इक्वल टू ए। ये लेट करके मैंने मान लिया, ये साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला भी कैसे प्रूफ हुआ है उसका भी वीडियो अपलोड है, उस वीडियो का आप चेक कर लेना, उसको देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, उसको भी देख लेना। यदि मैं इस वाली क्वांटिटी और इस क्वांटिटी को मैं एक साथ में करूं तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के इंटू साइन ए, और इस वाली क्वांटिटी को मैं इसकी इक्वल करूं तो बी की वैल्यू आ गई के इंटू साइन बी इक्वल टू नहीं, ये लगा देता हूं। इस सी की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो ये सी स्मॉल है, ध्यान रखना। इसके लिए फाइंड आउट करूं सी की वैल्यू क्या आएगी, के इंटू साइन सी, ये कैपिटल है, तो ये वैल्यू यहां से आ जाएगी। अब सबसे फर्स्ट को मैं फाइंड आउट करूं तो इसकी आप लेफ्ट हैंड साइड ना लेके ये वाली वैल्यू लो। आई बात समझ में, क्योंकि आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा। तो ये वाली साइड लूं कि नेपियर एनालॉजी फॉर्मूला प्रूफ कैसे होता है उसके बारे में था। तो इस वैल्यू को लूं तो वैल्यू क्या आपकी a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी, इसका मैं यूज करूं तो ध्यान से देखना a b c की वैल्यू आपको गिवन है। तो सबसे पहले a की वैल्यू कितनी है, k इंटू साइन a, फिर माइनस k इंटू b की वैल्यू साइन b अपॉन में इसी का प्लस कर दो तो साइन a प्लस k इंटू साइन b, ये वैल्यू आ जाएगी। ऊपर से k कॉमन आएगा तो k को बाहर निकालो, साइन a माइनस साइन b अपॉन में k को बाहर निकालें तो साइन a प्लस साइन b, ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। k से k कैंसिल आउट, इसमें आप फॉर्मूला लगाओ साइन a माइनस साइन b का, या फिर आप कह सकते हो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला होगा, 2 इंटू कोस, दोनों को एड करके 2 से डिवाइड कर दो तो a प्लस बी अपॉन में 2, इसको भी दोनों को एड करके 2 से डिवाइड कर दो, साइन आ जाएगा a माइनस a, भी माइनस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये वैल्यू आ गई। सेम ही नीचे में अप्लाई करूं तो यहां पे प्लस है तो वैल्यू आएगी पहले साइन की a प्लस बी अपॉन में 2 इंटू कोस a माइनस बी अपॉन में 2, ये मैं लिख सकता हूं। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, कोस अपॉन साइन तो कितना हो गया कोट, और साइन अपॉन कोस कितना हो जाएगा टेन। तो देखो वैल्यू क्या आएगी आपकी, a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी, इसकी वैल्यू आ गई कोट a माइनस बी ए प्लस बी अपॉन में 2, ठीक है। और ये साइन अपॉन कोस कितना होगा टेन a माइनस बी अपॉन में 2। अब देखो इसी की वैल्यू आपको चाहिए, लेकिन यहां पे कौन है, कोट है, और है कौन, c है। अब यहां पे अपन देखो ये फॉर्मूला है क्या, ट्राइंगल का यूज करके था, तो एक ट्राइंगल को मिल लू, ये वाला ट्राइंगल हो गया, ये a ये b ये सी, तो इन तीनों एंगल का वैल्यू यानी इन सभी एंगल की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी तो होगा ना, कितनी होगी
180 होगी। इसी को मैं लिख सकता हूं बी प्लस सी, आपको ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए तो ए प्लस बी इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई 180 डिग्री माइनस का सी आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर दूं तो ए प्लस बी अपॉन में 2 इक्वल टू, इसको 2 से करो 90, इसको 2 से करो तो ये वैल्यू आ गई। यानी इस पूरे की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं कोट 90 डिग्री माइनस का सी बाई टू इंटू टेन ए माइनस बी अपॉन में 2 ये लिख सकता हूं। अब कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है और थीटा की वैल्यू कितनी है सी बाई टू इंटू में टेन ए माइनस बी अपॉन में 2। इस टेन को मैं इधर भेजू तो इसके अपॉन में आएगा तो क्या लिख सकता हूं ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, इसके मल्टीप्लाई नीचे आएगा कितना टेन सी बाई टू इक्वल टू में कितना होगा टेन ए माइनस बी अपॉन में 2 ये मैं लिख सकता हूं। अब यहां से स्टार्ट करते हैं अपन कि टेन ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, वन अपॉन टेन क्या होता है कोट, तो एंगल साथ में रहता है तो सी बाई टू। तो ये आ गया आपका फर्स्ट कि अपन फर्स्ट को कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। ऐसे आपको सारा प्रूफ करना है, ठीक है, ये भी प्रूफ करना और ये भी प्रूफ करना, ठीक है। एक और मैं बता देता हूं, ये आप कर लेना, ठीक है, उसको मैं फर्स्ट करता हूं। देखो इस वाले को मैं प्रूफ करूं तो यहां पे b माइनस सी है, यहां पे b माइनस बी प्लस सी है, तो ये वैल्यू मैं क्या ले लूं सेकंड है यहां से आपका b माइनस सी और इसको भी क्या ले लूं b माइनस सी b प्लस सी लिख सकते हैं। यहां पे वैल्यू क्या आएगी cos b sin b और यहां पे वैल्यू क्या आएगी sin c और यहां पे b और ये c, ठीक है ना, सेम ही आएगा ये तो। उसके बाद में आपने ये कॉमन निकाल दिया और यहां पे आप b कर दिया और ये c, इसको भी b और c, ठीक है ना, पूरा सेम है, एंगल की वैल्यू चेंज हो रही है और तो पूरा सेम है। इसको लिख सकता हूं मैं b प्लस सी और इसको लिख सकता हूं b माइनस सी और इसको लिख सकता हूं मैं b प्लस सी और इसको लिख सकता हूं मैं b माइनस सी। देखो पूरा सेम ही आएगा। उसके बाद में इस वाली क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूं b माइनस सी और इसको लिख सकता हूं मैं b प्लस सी और ये वैल्यू आ जाएगी b माइनस सी और ये वैल्यू आ जाएगी b, ये b प्लस सी और ये b माइनस सी, ये लीजिए। यहां से अब देखो थोड़ा सा मैंने वैल्यू किसकी निकाली है a प्लस बी की, यहां से मैं b प्लस सी की वैल्यू निकालू और 2 से डिवाइड करूं तो वैल्यू आपकी आएगी 90 डिग्री माइनस a बाई टू, क्या आएगा 90 डिग्री अपॉन a 90 डिग्री माइनस a बाई टू, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी यहां पे a आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे मैं बात करूं तो ये वैल्यू आपकी सेम b माइनस सी, ये लीजिए इसकी वैल्यू सेम ही आ जाएगा, यहां पे a यहां पे a था और यहां पे b माइनस सी, ठीक है। अब देखो ये भी चेंज कर देता हूं मैं, ये वैल्यू क्या आपकी b माइनस सी और ये b प्लस सी और ये वैल्यू आपकी a आ जाएगी, क्यों ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो नीचे आएगा तो नीचे गया, ठीक है, और ये वैल्यू आपकी b माइनस सी आ गया। इसको मैं आगे सोल्व करूं, मुझे यहां से वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये b माइनस सी की वैल्यू हो गई b स्मॉल b माइनस सी और स्मॉल b प्लस सी और ये वाली वैल्यू आपकी कैपिटल a बाई टू आ जाएगा, तो देख लीजिए ये आ जाएगा। ऐसे आप इस थर्ड को भी इस थर्ड फॉर्मूले को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसी को कहते हैं नेपियर्स एनालॉजी फॉर्मूला, ठीक है। तीन टाइप के फॉर्मूले होते हैं, कैसे मैंने फाइंड आउट किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी फॉर्मूले को अपन कैसे प्रूव कर रहे हैं। तो आप तीनों इसके लिए आप ट्राई जरूर करना, ऐसे ही करना है, ठीक है ना, एक बार कर लेना आप समझ जाओगे, ठीक है। और माइंड में रखना कैसे है वो आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है ना। तो ये था आपका नेपियर एनालॉजी फॉर्मूला और नेक्स्ट फॉर्मूले के लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।